हेलो गाइज एंड वेलकम टू फैंटेसी टीम। और फाइनली जो है वर्ल्ड कप 2019 का पहला मैच होने वाला है कल इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। इस मैच की मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की दोनों ही टीम देने वाला हूं, दोनों ही टीम प्रोवाइड करने वाला हूं, और उस दोनों टीमों से आप बहुत ही अच्छा जो है यहां पे विन कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वर्ल्ड कप के आखिर तक जुड़े रहते हो तो आप इस बार बहुत ही बढ़िया अमाउंट जो है यहाँ से फैंटेसी साइट से विन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। अगर आप ज्वाइन नहीं होंगे तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि टॉस के बाद फाइनल प्लेइंग 11 और कौन सा टीम पहले बैटिंग या कौन सा टीम पहले बॉलिंग कर रहा है वो प्रिडिक्शन करने के बाद फाइनल अपडेट पे मैं जो है टेलीग्राम पे जो है टीम अपडेट करता हूँ। उस टीम से आप जो है 100% जो है बहुत ही अच्छा जो है विन कर पाओगे। तो वीडियो के शुरू में मैं आपको कुछ वार्निंग दे देता हूँ, उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में मैं आपको डिटेल्स के साथ इन चार सालों में जो है इन्होंने क्या किया है, कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा प्लेयर को आपको पिक करना है, सारी डिटेल्स आपको मैं बहुत ही छोटी और वीडियो में जो है समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ वार्निंग जो है मैं आपको देना चाहूँगा। वार्निंग जो है पहला दो वार्निंग है। पहला वार्निंग है, जो लोग आपको पेड टीम भेजते हैं आप प्लीज़ उस पेड टीम के झांसे में मत आइए। वो लोग आपसे पैसा लेके आपके अगेंस्ट ही खेलते हैं और जीत जाते हैं और आपसे भी पैसा लेते हैं। ऊपर से जो है आपकी टीम से जो है जो वो खुद टीम प्रोवाइड करता है उससे बेहतर टीम बना के जो है आपको जो आपके साथ खेल के जो है आपको ही हरा देता है। पहली वार्निंग। दूसरी वार्निंग, जो अदर्स यूट्यूबर आप देखेंगे, कोई कोई 30 मिनट, कोई कोई लगभग 40 मिनट्स का वीडियो बना रहा है। मुझे नहीं पता उस वीडियो में इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। आपको प्रेडिक्शन करना है, ना कि कोई पिछला रिकॉर्ड आपको देखना है। इसलिए वो लोग बेसिकली लंबा वीडियो इसलिए बनाते हैं। मिनिमम तो इन लोगों का जो है 20 मिनट का वीडियो होता ही है। 20 मिनट का वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि ज़्यादातर ऐड लगा सके, यूट्यूब से अर्निंग कर सके, बस। और कोई मोटिव नहीं है आप लोगों का विन कराने के लिए। अगर आपको विन करना है आपको खुद से प्रिडिक्शन करना ज़रूरी है, और हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देंगे वही आप तो आपको जो है काम में आएगा। अदरवाइज़ जो आप 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो देख के आप सिर्फ अपना जो है इम्पोर्टेंट टाइम जो है लॉस कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में। तो इसमें मैं आपको दो एप्लीकेशन की टीम देने वाला हूँ। पहला जो है ड्रीम 11, जो आप में से लगभग 100% लोग खेलते हो, और दूसरा जो है हालाप्ले की, जो कि मैं खेलता हूँ अभी रेगुलर बेसिस पे। मैं यहाँ पे माई टीम 11 भी बहुत ही ज़्यादा खेलता हूँ, लेकिन मैं आज की वीडियो में मैं आपको जो है ड्रीम 11 और हालाप्ले की टीम देने वाला हूँ। अगर आप नीचे कमेंट करोगे आप कौन सा पर्टिकुलर वेबसाइट ज़्यादा खेलते हो, तो अगले वीडियो से मैं आपको जो है उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो है टीम दे सकता हूँ, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो। सो अब बात कर लेते हैं कुछ न्यूज़ इंजरी और प्लेइंग 11 की। बस आपको इतना ही जानना ज़रूरी है, आपको जितना जानना ज़रूरी है मैं आपको इस वीडियो में बस उतना ही बताऊंगा। आपको दोनों टीमों का स्क्वाड पता है, और आपको ये भी शायद पता होगा कि डेल स्टेन इंजर्ड है। तो उस चीज़ सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंग्लैंड का प्रीव्यू देख लेते हैं। इंग्लैंड जो है वर्ल्ड कप जो शुरू होने से पहले की जो है नंबर 1 फेवरेट टीम जो है इंग्लैंड है वर्ल्ड कप विन करने के लिए। वहीं पे इनका जो टीम है बहुत ही बैलेंस है, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, ऑलराउंडर हो, या फिर बॉलर हो, या फिर जोफ्रा आर्चर आने के बाद जो है डेथ बॉलिंग भी इनका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा हो गया है। वहीं पे कुछ डाउट है यहाँ पे मार्क वुड और लियम पंकित को लेकर, तो दोनों में से कोई एक खेल सकता है। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जॉनी बेस्टो, जो रूट, इयन मॉर्गन, बेन स्टोक, और यहाँ पे जेसन रॉय और बेस्टो जो है ओपनिंग करेंगे। उसके बाद जो रूट नंबर 3 पे आएंगे, इयन मॉर्गन नंबर 4 पे, और नंबर 5 और नंबर 6 पे जो है बेन स्टोक और बटलर आगे पीछे हो सकते हैं। नंबर 7 पे यहाँ पे मोइन अली आएंगे, ठीक है। उसके बाद मोइन अली आएंगे, उसके बाद आएंगे आदिल रशीद, क्रिस ओक, लियम पकित, या फिर वुड में से कोई एक खेल सकता है। वहीं पे जोफ्रा आर्चर जो है आ सकते हैं बैटिंग करने भी, और जोफ्रा आर्चर बहुत ही अच्छे डेड बॉलर हैं, तो ये आपके लिए एक की प्लेयर हो सकते हैं। और लगभग एक अगर आप लोग एक चीज़ देखें, इनका जो है 11 का 11 प्लेयर जो है बैटिंग भी कर सकते हैं। अगर इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही जल्दी आउट हो गया है तो आपको
अगर उस अगर बहुत सारे बॉलर्स भी इनके लिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो बहुत ही बैलेंस साइड है जो अभी दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका आपको पता है डेल स्टेन जो है इंजरी के कारण पहले ओडीआई मैच से जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होगा उससे वो आउट हो चुके हैं, तो उनकी वजह से जो यहाँ पे क्रिस मॉरिस और यहाँ पे जो है एक और ऑलराउंडर जो है इनको जो है खिलाना पड़ेगा। वहीं पे ताहिर जो है स्पिनर के लिए एक लौते स्पिनर होंगे, उसके साथ मेन स्पिनर होंगे, उसके साथ जो है शायद जेपी रुमिनी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेंगे टीम में। और वहीं पे जो है यहाँ पे इनकी जो है टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर अच्छी है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना आप इंग्लैंड के बैट्समैन को लेके सोचते होंगे। इनकी बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी है, जैसे कि रवाड़ा है, मॉरिस डेटोबर में अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं, वहीं पे लुंगी इंगिडी है जो कि अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबली प्लेइंग एलेवन की, तो हासिम अमला और डिकॉक जो है ओपनिंग करेंगे। नंबर तीन पे जो है यहाँ पे मकरम भी आ सकते हैं, या फिर नंबर तीन पे डुप्लेसिस आएंगे अगर मकरम नहीं खेलते हैं तो। नंबर चार पे यहाँ पे मकरम नहीं खेलते तो वेंडर डूसन भी खेल सकते हैं या फिर मिलर खेल सकते हैं, तो एक पोजीशन है यहाँ पे जो है अभी भी डाउट पे है। वहीं पे नंबर चार या पाँच पे जो है यहाँ पे छः में लगभग जो है डीएपी डोमिनी बैटिंग करने आएंगे, उसके बाद फुकली वायो है, क्रिस मॉरिस है, रवाड़ा है, इंगिडी है और इमरान ताहिर है, जो ये प्रॉबल प्लेइंग एलेवन जो है साउथ अफ्रीका के लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है, जितना आपको जानना है उतना ही ज़रूरी है। आपको लास्ट के 10-12 साल का रिकॉर्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना ही देखिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो। तो बात कर लेते हैं मैच जो है कल 3 बजे शुरू होगा इंडिया के टाइम अनुसार। मैच जो है ओवल लंदन में होने वाला है और इस पिच की जो है एवरेज अगर अभी की अगर रिसेंटली बात करें तो 300 रन जो है बना सकती है दोनों ही टीम, और दोनों ही टीम को बैटिंग भी बहुत ही अच्छी है। अगर बॉलिंग की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं होम कंडीशन को फेवर करते हुए इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी अच्छी है, लेकिन अगर लैम में अगर वो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आ गए तो क्वालिटी की बात करें तो साउथ अफ्रीका की बॉलर्स में जो है क्वालिटी जो है इंग्लैंड के बॉलर से जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा बैट्समैन के ऊपर प्रेशर भी होगा, तो यहाँ पे 300 जो है बहुत ही अच्छा टोटल ये इस पिच पे जो है माना जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, उसके बाद मैं आपको हाला प्ले की टीम मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सो टीम दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं ड्रीम इलेवन पे ही नहीं माई टीम इलेवन पे, फैन फाइट पे, हाला प्ले पे, सारे के सारे प्लेटफॉर्म में जो है यहाँ पे ऑफर चल रहे हैं कि अगर आप कुछ पैसे ऐड करोगे तो आपको किसी पे जो है 50%, किसी पे 30%, किसी पे 80% तक जो है आपको कैश बोनस मिल जाता है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, आपको वापस से जो है पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो अकाउंट में जो है विनिंग पड़ा हुआ है उसे आप विड्रॉ कर लो, विड्रॉ करने के बाद उसे फिर से आप लोग ऐड मनी कर लो, तो आप यहाँ से जो है प्रॉफिट में रहोगे। आपका आप जो वो विनिंग को जो है स्मॉल लीग में लगाने वाले थे तो आप अगर विड्रॉ करके अगर अनयूटिलाइज्ड वो कैश अगर फिर से आप अगर करोगे तो आपको कुछ कैश बोनस भी मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रिक अपनाओगे तो आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बात कर लेते हैं टीम के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोग टीम देखने ही आते हैं, तो मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको कौन से प्लेयर को पिक करना है, ठीक है, और कौन से प्लेयर को पिक नहीं करना है। सो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर पे आपके पास 3 अवेलेबल ऑप्शन है और तीनों टॉप क्लास बैट्समैन हैं और तीनों जो है अपने बलबूते पे जो है बड़ी स्कोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉस यानी कौन से प्लेयर जो है पहले बैटिंग करेंगे, कौन से प्लेयर सेकेंड बैटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे तो टॉस के बाद मैं आपको एक टीम प्रोवाइड कर लूँगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी टीम बनाने में, या फिर आप वो वाला सेम टीम भी जो है अपने स्मॉल लीग में या फिर जो मैं ग्रैंड लीग का टीम जब दूंगा तो आप ग्रैंड लीग में अप्लाई कर सकते हो। तब बात कर लेते हैं अगर अभी मैं ऑब्जर्व करके चलूँ तो यहाँ पे डिकॉक, बेस्टो और बटलर को अगर आप लेंगे तो आपको टीम बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यहाँ पे बटलर को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर इंग्लैंड की पिचेस में ध्यान में दें तो बटलर जो है लगभग मिनिमम नंबर 5 पे या फिर 6 पे बैटिंग करने आएंगे, और अगर 6 ओवर पे वो 6 नंबर पे बैटिंग करने आते तो उनके पास जो है लगभग 15 से लेके 20 ओवर जो होगा बैटिंग करने के लिए, तो ये बहुत ही कम है। हालांकि बटलर जो है बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, कभी भी गेम का रुख
पलट सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टॉप ऑर्डर के साथ जाएंगे क्योंकि पिच जो है बहुत ही आसान है बैटिंग के लिए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने डिकॉक और बेस्टो को लिया है जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है रिसेंट मैचेस पे। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन की, तो यहाँ पे मैंने जो है फैफ डुप्लेसिस, जो रूट, हासिम अमला, जेसन रॉय को लिया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास कौन से ऑप्शन बचते हैं? इयान मॉर्गन बचते हैं, डेविड मिलर को लगभग 90% लोग, 99% लोग जो है स्मॉल लीग में नहीं लेने वाले हैं। अब बचते हैं मकराम और वेंडर डुसन में से जो खेलेगा उस पर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस करने वाला हूँ टॉस के बाद, हालांकि अभी फाइनल कुछ पता नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आप एक काम कर सकते हो, रॉय या पेस्टो को ड्रॉप करके आप मॉर्गन को ले सकते हो। आप रूट को ड्रॉप कभी मत कीजिए स्मॉल लीग में, हालांकि अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। ग्रैंड लीग की टीम में जब आपका आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्लेयर को ड्रॉप करके आप किस कौन से प्लेयर को ग्रैंड लीग में ले सकते हो। बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो ऑलराउंडर की, तो यहाँ पर मैंने बेन स्टोक को लिया हुआ है। बेन स्टोक मिनिमम जो है, जो इंग्लैंड की जो है पिच या फिर इंग्लैंड की जो टीम कॉम्बिनेशन देखते हुए वो मिनिमम 5 ओवर बॉलिंग ज़रूर करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। वहीं पे मैंने यहाँ पे फुकली वायो को पिक किया हुआ है। प्रैक्टिस मैच में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, साथ ही साथ ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स पे यहाँ पे मैंने क्रिस वोक्स, जॉफ्रा आर्चर और यहाँ पे लियम पंकित को मैंने लिया हुआ है। लियम पंकित को इसलिए मैंने लिया हुआ है क्योंकि ये सीरियसली जो है विकेट टेकर बॉलिंग है, ये आपको इकोनॉमिकल बॉलिंग करके नहीं देंगे लेकिन 2-3 विकेटें ले सकते हैं। वहीं पे जॉफ्रा आर्चर आपको पता है देर ओवर में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं और विकेट भी ले सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। वहीं पे मैंने यहाँ पे क्रिस वोक्स को लिया हुआ है। क्रिस वोक्स एक बहुत ही अच्छे जो है ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्रिस वोक्स की जगह जो यहाँ पे इमरान ताहिर को भी ले सकते हो, लेकिन जो मेरा जो है मैंने जो ऑब्जॉर्ब किया है उस पर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है इमरान ताहिर यानी किसी भी स्पिनर को उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे टर्न मिलने वाला है। प्रैक्टिस मैच पे हालांकि कुछ पिचेस पे जो है थोड़ी बहुत जो है टर्न मिली थी। अब बात कर लेते हैं टीम प्रीव्यू कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 ही जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फुकली वायो, फैफ डुप्लेसिस, हासिम अमला और यहाँ पे डिकॉक, क्योंकि यही कुछ मेन प्लेयर हैं। हालांकि जो टॉप 3 आप देख रहे हो यही कुछ मेन प्लेयर है जो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही जो है साउथ अफ्रीका इस बार जो है वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखिए टीम को तो यहाँ पे इंग्लैंड बहुत ही फेवरेट है और पहला मैच अगर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इंग्लैंड जीतेगी तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे टीम भी बनाया हुआ है। अगर इंग्लैंड जीतती है तो साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करेगी, तो ऑल आउट करेगी तो ज़्यादातर जो है इंग्लैंड के जो है बॉलर्स है उनको विकेट मिलेंगे, तो यहाँ पे विकेट मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगर इंग्लैंड जीतेगी तो साउथ अफ्रीका से वो जो है ज़्यादा रन करेगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर बैट्समैन जो है यहाँ पे इंग्लैंड के लिए है। हालांकि ये बेसिक सा फंडा है लेकिन फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के बारे में। ठीक है, ग्रैंड लीग में आप एक चीज़ कर सकते हो, आप जो है यहाँ पे बटलर को विकेट कीपर पे आप जो है यहाँ पे बटलर को ले सकते हो, यहाँ पे आप मिलर को ले सकते हो अगर मिलर खेलते हैं। ठीक है, आपने 2 चेंजेस कर दिया। ऑलराउंडर पे यहाँ पे आपको जेपी डुमिनी लेना है, हालांकि क्रेडिट की वजह से मैंने यहाँ पे जेपी डुमिनी को नहीं ले पाया। और बॉलर्स पे आपको जो है यहाँ पे रवाड़ा को रखना है, तो बस यही थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं आपको ग्रैंड लीग के टीम में। और कैप्टन वाइस कैप्टन आपको जो अलग बनानी है, नहीं जो रूट, हासिम अमला को अगर आप बनाओगे तो आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, क्योंकि लगभग 50% टीम में जो है जो रूट जो और अमला जो है कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे। आप कैप्टन वाइस कैप्टन जो है यहाँ पे जॉनी बेस्टो, डिकॉक, फैफ डुप्लेसी, जो रूट को भी बना सकते हो, जेसन रॉय को बना सकते हो, बटलर को बना सकते हो, बेन स्टोक को बना सकते हो। ये कुछ प्लेयर है जिसको आप जो है ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं हाला प्ले के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसके बाद रिफ़र कोड दो तो आपको 100 रुपीज़ का कैश बोनस मिल जाएगा, जिस पे आप जो है 100% कैश बोनस ही यूज़ कर सकते हो। आपको पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री में 100 रुपीज़ मिल जाएगा और वहीं से जो आप जो है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच जो है यहाँ पे सारे के सारे 100% जो है पैसा यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो। आप जो है फ्री में जो यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ तक भी जीत सकते हो अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्विक, आपको हाला प्ले की टीम
अगर आपको किसी और फैंटेसी साइट की टीम चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिकॉक को लिया हुआ है विकेट कीपर पर, यहाँ पे आप एक ही विकेट कीपर ले सकते हो, आपको वाइस कैप्टन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप कैप्टन लोगे तो ही चलेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने जो स्ट्राइक और जो है विकेट की ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, तो ज़्यादा जो बैटिंग ज़्यादा हार्ड हिटिंग हिट करता है उसे आप लेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने जॉनी बेस्टो को लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लगभग जो है बैटिंग में लगभग सेम रखा है, लेकिन बॉलर्स की बात करते हैं यहाँ पे रवाडा और यहाँ पे इंगिरी को लिया है, क्योंकि आपको इकोनॉमिकल के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता है, इसलिए मैंने इस बॉलर्स को पिक किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने क्रिस मॉरिस को भी ऐड किया हुआ है अपने हालाप्ले की टीम में। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होते हो तो आपको फाइनली जो हर मोमेंट का अपडेट आपको मिल जाएगा और फाइनल टीम भी आपको मिल जाएगा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो जो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और किसी के फासले में मत आना, और खुद से टीम बनाने की कोशिश करना, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन है उसे भी दबा देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।